जमाने का जिक्र है। एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वो आदमी हमेशा अमीर बनना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। मिला की कहानी सीधा बादशाह के पास जा पहुंची। बादशाह ने उसे महल बुलाया और मिला को एक सबक सिखाना चाहा, लेकिन मिला जरा सा भी हिचकिचाया नहीं। बादशाह सलामत, मेरी बेटी किसी भी चीज को सोने में तब्दील कर सकती है। बादशाह ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसे कल ही यहाँ लेकर आओ, हम भी तो देखें वो क्या करती है। जब मिला ने अपनी बेटी को बताया तो वो डर गई। पापा, आपने फिर झूठ बोला, मैं अब क्या करूंगी? उसको बहुत शर्म आ रही थी। अगले दिन मिला और उसकी बेटी बादशाह के महल में आ पहुंचे। बादशाह अपने कमरे में उस लड़की को लेकर गए और उस कमरे में उस सारा सामान मौजूद था जो मिला ने मांगा था। शाम से पहले ये सब सोने में तब्दील हो जाए, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। बादशाह ने मिला को जेल में बंद कर दिया और उसकी बेटी के सामने दो सिपाही खड़े कर दिए। उस लड़की ने सारे सामान को देखा और वो जोर जोर से रोने लगी। पापा। अचानक एक रोशनी कमरे में आई और जब रोशनी कमरे से चली गई, एक अजीब सा छोटा सा इंसान वहां आ पहुंचा। अरे तुम क्यों रो रही हो? बादशाह ने कहा है कि इस स्ट्रॉ को सोने में बदल दो, पर मैं ये नहीं कर सकती, पर मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। लड़की ने अपना नेकलेस उतारा और उस इंसान को दे दिया। जैसे ही उस लड़के को नेकलेस मिला, वो उस स्पिनिंग व्हील के पास बैठा और उसे घुमाने लगा। जब वो व्हील घूमने लगा तो रस्सी सोने की बनती गई। थोड़ी ही देर में उस छोटे इंसान ने सबको सोने में बदल दिया और जैसे ही वो वहां पर आया था, बिल्कुल वैसे ही वहां से चला गया। और अब सुबह हो चुकी थी। जब बादशाह अंदर आया और उसने देखा कि सोना वहां पर है तो वो बहुत हैरान हुआ। मैं तो समझा था कि तुम्हारा बाप झूठा है, लेकिन मैं तो हैरान हो गया। लड़की को लगा कि अब वो बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो सुबह तक ये सब सोने में बदल दो। लड़की दोबारा से रोने लगी और वो इंसान दोबारा वहां आ पहुंचा। मैं तुम्हारा एक काम दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? उस लड़की ने सबसे कीमती अंगूठी उतार कर उसे दे दी। मैं आपको ये अपनी कीमती अंगूठी दे सकती हूँ जो मुझे मेरी माँ ने तोहफे में दी थी। उसने वो अंगूठी ले ली और स्पिनिंग व्हील को दोबारा घुमाना शुरू कर दिया। स्पिनिंग व्हील जितनी देर तक घूमता रहा, सारी रस्सियाँ दोबारा सोने की बनती गईं। सुबह तक वो सब खत्म हो गई। सारी बास्केट सोने से भरी हुई थी। बादशाह अंदर आया और वो हैरान हो गया। इस बार उसने पूरा कमरा भर दिया। अगर तुम सारे ही सामान को सोने में तब्दील कर सकती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें यहीं रहने दूं और तुमसे शादी कर लूं। जैसे ही बादशाह कमरा छोड़कर गया, वो छोटा इंसान दोबारा आ गया, लेकिन इस बार लड़की के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। छोटे इंसान ने बोला, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और इसी की वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस लड़की ने उसकी बात मान ली। इस बार वो छोटा इंसान बहुत तेज काम करने लगा। जितनी देर स्पिनिंग व्हील घूमता रहा, रस्सियां सोने की बनती गईं। सुबह दोबारा हो गई थी और बादशाह दोबारा आया। उसने सोना देखा और वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उससे शादी का पूछा और लड़की ने हाँ कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद महारानी के पास एक बच्चा था। एक दिन जब महारानी अपने बच्चे को सुला रही थी,
तो वो छोटा इंसान दोबारा आया। क्या तुम अपना वादा भूल गई जो तुमने मुझसे किया था? नहीं, मैं नहीं भूली, पर मेरे बच्चे को मत लेके जाना। छोटे इंसान ने उससे बहुत माफी मांगी और उसे एक मौका और दिया। अगर तुमने 3 दिन में मेरा नाम और पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा। ये बोलते ही वो वहां से चला गया। उसने एक सिपाही को बुलाया और इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगवाए। सिपाही एक कागज पर लिखकर सारे नाम ले आया और सुबह उसने वो कागज महारानी को दे दिया। सुबह वो छोटा इंसान दोबारा आया और महारानी से पूछा कि उसका नाम क्या है, और महारानी कागज पे लिखे हुए सारे नाम बोलने लगी। क्या डेविड है? नहीं। रॉबर्ट? नहीं। टॉम? नहीं। पीटर? नो। जब महारानी ने सारे नाम पूछ लिए तो उस छोटे इंसान ने कहा, इनमें से कोई नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन कल दोबारा फिर आऊंगा, और वो वहाँ से चला गया। महारानी ने अपने सिपाही को दोबारा बुलाया और दूसरे शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगवाए। अगले दिन की सुबह सिपाही सारे नाम लेकर आ गया। उसने वो कागज महारानी को दिया और वहाँ से चला गया। जब सूरज तुलु हुआ वो छोटा इंसान दोबारा आया। तो तुमने मेरा नाम जानने की कोशिश की? नहीं। हंस? नहीं। मुस्तफा? नहीं। कस्टर? जितने भी नाम उसने लिए कोई भी नाम सही नहीं था। कल का दिन आखिरी है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम मेरा नाम नहीं जान सकोगी। छोटा इंसान दोबारा से वहाँ से चला गया। महारानी ने अपने सिपाही को बुलाया और इस बार बोला कि वो बहुत सारे शहर घूम कर आए और सारे नाम लेकर आए। अगले दिन की सुबह सिपाही महारानी के पास आया और उससे बताया कि कल रात उसने क्या देखा। मैं एक जंगल से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक छोटा सा बौना नाच रहा है और वहाँ के पेड़ भी नाच रहे थे। वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो बच्ची मेरी होगी, वो बच्ची मेरी होगी, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि मेरा नाम रंपेलस्टिल्कन है। महारानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सुबह हो गई। छोटा इंसान दोबारा आया। जब महारानी से उसने अपना नाम पूछा तो महारानी ने उसे जताया कि जैसे उसको उसका नाम नहीं पता, और दूसरे नाम लेने लगी। अपना सर हिलाते हुए वो छोटा इंसान इनकार करता गया। जब तक महारानी गलत नाम लेती गई वो छोटा इंसान खुश होता गया। आखिर में महारानी ने उसका नाम लिया। क्या रंपेलस्टिल्कन है? लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये नाम कैसे तुम्हें पता चला? आखिर मेरे पीछे तुमने किसको लगा दिया था? वो छोटा इंसान तेज तेज कूदने लगा और जमीन टूटने लगी, और जैसे ही उसने हटना चाहा उसका पैर फंस गया और जमीन और टूट गई और वो नीचे गिर गया। आखिरकार महारानी को उससे छुटकारा मिल गया, और उसके बाद महारानी सीधा बादशाह के पास गई और सब बताया जो कुछ हुआ। बादशाह ने देखा कि महारानी अपने किए पर शर्मिंदा है और उन्होंने उसे माफ कर दिया, और उसके वालिद के लिए बादशाह ने उन्हें एक सजा देने का फैसला किया, और उन्होंने उसे महल से बहुत दूर भेज दिया। और उसके बाद बादशाह, मलका और उनका बच्चा हमेशा के लिए खुश रहे।